हेलो वैन वेलकम टू माय शो बॉबी द मैट इंडिया आइडल दोस्तों प्रोड्यूसर जियो स्टूडियोज और डायरेक्टर रितम श्रीवास्तव की फिल्म रफू चक्कर स्टारिंग मनीष पॉल एज हीरो शौक लगा ना दोस्तों मुझे भी शौक लगा मनीष पॉल एज अ हीरो क्या हो गया है फिल्म इंडस्ट्री को रफू चक्कर एक कॉन मैन की स्टोरी है अभी रफू चक्कर नाम याद आया तो फिर वो नाइनटीन सेवेंटी फाइव की पिक्चर याद आती है, है. रफू चक्कर स्टारिंग ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह जी सुपर हिट जोड़ी और पेंटल जी जो ऋषि कपूर और पेंटल जी लड़कियाँ बनते हैं और कॉमेडी फिल्म थी जबरदस्त फिल्म थी तो उन तीनों के अलावा असहनी जी थे राजेंद्र नाथ थे और डायरेक्टर साजिद खान फराह खान जी के टैड द लेट कामरान खान जी पिक्चर के मेन विलन थे देखो पिक्चर 1975 में आई थी सुपर हिट फिल्म सुपर हिट गाने तो कामरान खान जी ने बहुत सारी फिल्में बनाईं उनमें से एक फिल्म उन्होंने बनाई थी मेरा खून मेरा दुश्मन तो वो फिल्म का प्लॉट बी आर चोपड़ा और डायरेक्टर रवि चोपड़ा ने चुराया था और 1975 में फिल्म बनाई जमीर स्टारिंग द गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना एंड सायरा बानो दोनों पिक्चर सेम थी तो ये तो आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया अभी रफू चक्कर में ये मनीष पड़ा एज हीरो है तो 75 वाली रफू चक्कर सुपर डुपर हिट थी दो हज़ार में भी एक फिल्म आई थी रफू चक्कर जो बहुत बड़ी डिजास्टर थी गाइस রবি 2030 মে ফিরসে রূপচক্র আ رہی হ মানে কোন ম্যান কি স্টোরি কয়া बच्चन সব কি ফিল্ম আইতি बच्चन साहब अभिषेक बच्चन অরানি मुखर्जी यशराज কি ফিল্ম তি বন্টি অর ববলি ও ভি ইসতিরা কি স্টোরি তি উসকে বাদ বন্টি অর ববলি 2 আই জো সুপার ফ্লপ হো গই বন্টি অর ববলি ওয়ান্ট অর সুপার ডুপার হিট হুই তি ফির বদमाश কোম্পানি মে আই জো ধামাল নে মচা সে কি ফিরা ফুপচক্র কিয়া کری গে দস্তো তাহলে मनीष কোলেজ এর হিরো শুনকে आदमी টেনশন আ জাগে মানে কিয়া হো গয়া মানে হি ওয়ান্টস দা टुडेज जनरेशन डायरेक्टर डो डोंट नो वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ व हीरो हीरो किसको बोलते हैं जब मान लो आप फिल्म देखने थिएटर में जाते हो और जो एक्टर जो हीरो स्क्रीन पे जो कमाल करता है जो ऑडियंस बैठी है सीट के ऊपर जब वो उनको देखते बोला हाँ जो ये बंदा कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता तभी ही वो हीरो होता है तभी लोग टिकट खरीद के थिएटर में जाते हैं दैट इज़ कॉल हीरो तो ये मनीष पॉल हीरो ले लिया अभी देखते क्या कमाल करते अच्छा फिल्म ओ टी टी पे आई थिएटर में आती तो पहले दिन रफू चक्कर हो जाती डिस्ट्रीब्यूटर को कपड़े रफू करने बैठ जाते इतनी हालत ख़राब हो जाती अभी जियो स्टूडियो प्रोड्यूसर जियो स्टूडियोज और हिरो लिया है मनीष पॉल को तो जियो ऑडियंस को कहाँ जीने दे रही है ऑडियंस को मार रही है तो देखते हैं रफू चक्कर क्या कमाल करती है जब ओ टी आती है मैं तो ओ टी फिल्म देखता नहीं हूँ देखते हैं क्या ऑडियंस क्या रिएक्ट करती है टिल दिन की पॉचि चले बॉबाई द मैट नैल्स बॉबाई सिंह गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल